नमस्ते 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 नमस्ते। माफ कीजिए, गाड़ी टाइम पे आ गई। काम कैसा चल रहा है? और सब ठीक है, मगर मक्खियां बहुत हो गई है। दूर में तो नहीं गिरी ना? आइए तस्वीर लाइए। मिश्रा जी कैसे? सब ठीक है। ये है डॉक्टर मनोहर राव, यहाँ के हालात देखने के लिए आए। उनको यहाँ लाके अच्छा किया, यहाँ बीमार बहुत है और डॉक्टर कम। नहीं नहीं, वो डॉक्टर नहीं, जानवरों के डॉक्टर। अच्छा अच्छा। तुम्हारा घोड़ा इतना सारा सामान ले जाएगा? तुम चिंता मत करो साहब, इससे भी गौ सामान ले जा सकता है। डॉक्टर राव आइए, बैठ जाइए, घोड़े को कुछ नहीं होगा। नहीं जी, मैं पैदल चलूंगा। क्या डाक बंगला यहाँ से बहुत दूर है? हाँ बहुत दूर है। कोई बात नहीं, तो फिर डाक बंगले पे मिलेंगे। तू क्या कर रहा है? चल बैठ, तुझे भी घोड़े पे दया आ रही है। पात्र जी, आपके वो असिस्टेंट आपके साथ नहीं आए। असिस्टेंट? अच्छा, वो मेरा असिस्टेंट नहीं है, डेरी बोर्ड का फिर है टीम लीडर। अच्छा अच्छा। यहाँ दूध का कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापन करने के लिए आया है। दूध की कोऑपरेटिव सोसाइटी और इस एरिए में? मैंने कहा भी, इस इलाका को मैं पूरी तरह से जानता हूं, पहचानता हूं, पर मेरी कोई सुनता ही नहीं। यहां तो उन्हीं लोगों का पहुंच है जिनके पास फॉरेन डिग्रियां हैं, पर एक्सपीरियंस का कोई ताकत ही नहीं है। सही बात है जी, पर भैंस के सामने बीन बजाने का क्या उपयोग? आओ जी, आओ जी, आओ। आप चिंता मत कीजिए महापात्र जी, नौजवान हमेशा आदर्शवादी होते हैं, दुनिया को बदलने की भावना रखते हैं। वो ठीक है, पर ये उनकी मूर्खता है, मूर्खता। ये आदर्श वादर्श सब बकवास बात है मिश्रा। देखिए, एक्सपीरियंस तो उम्र के साथ आता है। बिल्कुल। और फिर किसी भी नौजवान में आदर्श भावना देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि जल्दी ही गायब होने वाली चीज है। इस देश में आदर्शवादियों की बड़ी जरूरत है। जीवन,
जीवन तू कहां मर गया था है? जा जल्दी से चा लेके आ, जाके देख राव साहब बिस्तर से उठेगा नहीं। राम 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 राम। कैसे हैं आप? बस ठीक है। ये आपकी गाय है? हमारी गाय है। अच्छा, कितना दूध देती है? 4 लीटर। 4 लीटर। फिर दूध का क्या करते हो, खाते हो या बेच डालते हो? बेचना आते हैं। किसके हाथ बेचते हैं? मिश्रा डेयरी में। मिश्रा डेयरी में। अच्छा, कितना भाव देता है? रुपया भाव। बस उतना ही? कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट है। उसने ये भाव कैसे तय किया? भगवान जाने। जीवन, इतनी ठंड में ये राव बिस्तर से उठकर कहां चला गया? नहीं मालूम सर। साले को नमूनिया हो गया ना, तो हम कहां मारे मारे फिरेंगे? नमस्ते। संभल के बेटे। राम राम। राम राम। कोई है बेटे? तुम्हारा बाप घर पे है? बाप आईया है तो मेरे को क्या चाहिए? तुम्हारा आदमी घर पे है? अरे तुम्हें हो कौन? मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी से आया हूँ। तुम्हारे पास जमीन है या सिर्फ दूध बेचने से सारा काम चल जाता है तुम्हारा? वो बच्चा काम करो वाला आके गया तो मेरे को क्या चाहिए? इस दूध से थोड़ा सा नमूना ले सकता हूँ? इस दूध का थोड़ा सा नमूना ले सकता हूँ? नमूना वमूना कुछ नहीं। हेलो, गांव के सब लोगों ने दिया है, ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा ले लूंगा। थोड़ा सा? अरे थोड़ा थोड़ा करके पूरा भगोना ले लोगे। हेलो हेलो, क्या है मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? तमे चोर हो। बकवास बकवास, तमे चोरी की है? मैंने चोरी नहीं की, मैंने नमूना मांगा, तुमने मना कर दिया। फिर भी लिया? हाँ हाँ फिर भी लिया, मगर उसके पैसे भी वही। पैसा का मैं कुछ नहीं जानू साहब, दूध लिया है नहीं लिया पूरा गांव को यहाँ बुला लूंगी। देखो, अरे बगला उधर बैठा था, भगोड़ा छोड़ अंदर गई कि दूध चुरा लिया उसमें से। क्या हुआ बिंदु? अरे दूध चुरा लिया घर में से, बगला उधर मैं अंदर गई। क्या हो के चोरी करते साहब? अरे बाबा देखो, मैंने चोरी नहीं की, थोड़ा चोरी नहीं की। अरे नमूना खूब जानूं, चोरी करने दूध चुरा नहीं, क्या करो बिंदु? तेरी ढोर को क्यों आने दिया? शहर वालों को मैं जानू अच्छी तरह, सब एक तरीके चोर बदमाश थे। मानो ने क्या लाया काम? चोरी का क्यों भीड़ लगा रखी है तुम लोगों ने? यहाँ पे क्या हुआ है? भोला भाई क्या बोल रहे हो? मिश्रा जी, इसने हमारा घर से दूध चुरा लिया। हाँ हाँ। अरे किसे चोर कह रहे हो तुम? ए, ए, अरे किसी भले आदमी की पहचान भी होती है तुम्हें, तुम्हारा दिमाग खराब है जो इसे चोर कह रहे हो? क्यों भाई क्या हुआ मोती है? ऐसी क्या बात होगी? चलो जाओ अपने अपने घर में। डॉक्टर साहब आइए, आप मेरे साथ गाड़ी में आइए। चलो चलो जाओ, बोला इनको लेके जाओ सबको। चलो बिंदु बहन जाओ अपने घर में जाओ। हाँ जाओ, आइए आइए डॉक्टर साहब मेरे साथ गाड़ी में आइए आप। हेलो
थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं, लाओ मेरे पास। रहने दीजिए। थैंक यू। आप मां पात्र जी के साथ आए हुए हैं? जी हाँ। हमारे गांव वाले यहाँ बिल्कुल बच्चों की तरह हैं, बुरा मत मानिएगा। क्या हुआ, क्या था? मैं घर घर से दूध के सैंपल जमा कर रहा था। मैंने सुना था कि आप यहाँ दूध कोऑपरेटिव शुरू करने आए हैं। जी। क्यों, यहाँ के मौजूदा हालात ठीक नहीं है क्या? कौन कह सकता है, इट्स अ मैटर ऑफ ओपिनियन। आप आदर्शवादी लगते हैं। हम 30 बरस से इस इलाके में रह रहे हैं, सब गांव वाले मेरे ग्राहक हैं, सबको नाम से जानता हूं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनके घर में कितने लोग हैं, उनकी आमदनी क्या है। अच्छा, आप तो 6 महीने में चले जाएंगे, कोऑपरेटिव ठप हो जाएगी, और होगा ये कि मेरा बिजनेस चौपट होने के अलावा गांव वालों से संबंध भी टूट जाएंगे। आप ऐसा समझते हैं? मिश्रा जी, मैंने दूध के सैंपल लिए हैं और मुझे यकीन है कि इस दूध में फैट कंटेंट 5% से ज्यादा है। मगर आप दूध वजन से लेते हैं, इसलिए दूध में पानी मिलाते हैं लोग। वैसे ही आप इतनी कम कीमत देते हैं कि पानी नहीं मिलाएंगे तो और करेंगे क्या। मिश्रा साहब, असली मलाई तो आप खा रहे हैं। Young man, I have built the economy of this area. आप तो ठीक ही कह रहे हैं। उस जमाने के लिए आपने जो किया उसे फायदा ही हुआ होगा। मगर अब तो सिचुएशन बदल गई है, नए तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे। आपकी कोशिशों से स्थिति बिगड़ भी तो सकती है, परिवर्तन से हमेशा तरक्की नहीं होती। मिश्रा साहब देखिए, देरी किसी की भी हो हमें उससे सरोकार नहीं। हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि जो दूध का उत्पादन करें फायदा उसी का हो, और ये काम सिर्फ कोऑपरेटिव बनाकर ही हो सकता है। देखो डॉक्टर बाबू, मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूं, मेरी सलाह मानो तो ये सब बखेड़ा छोड़ो। तुम जानवरों के डॉक्टर हो, यहां रहकर गांव के मवेशियों की देखभाल करो, लोगों को स्वास्थ्य और परिवार नियोजन की जानकारी दो। आज भारतवर्ष को इसी प्रकार के समाज विकास की आवश्यकता है, स्वास्थ्य, पौष्टिक भोजन, परिवार नियोजन। इसलिए कि इन सब से आपके बिजनेस पर कोई असर पड़ेगा नहीं, है ना? खैर, आप हमारे मेहमान हैं, कभी भी आपको किसी चीज की कोई आवश्यकता हो तो पूछने में संकोच मत कीजिएगा। कहें तो आज शाम को बरांडी वरांडी भिजवा दूं। नहीं नहीं, थैंक यू। अच्छा अच्छा जी, हाँ। बहुत बहुत कोई बात नहीं जी, थैंक यू। अच्छा, राम राम जी। राम राम। राम राम महापात्र जी, कैसे हो? अच्छा, चलिए कुछ चाय पीजिए। नहीं जी, आपको पता ही है चाय वाय तो मैं पीता ही नहीं हूँ। अच्छा जी, नमस्ते जी। चलो भाई। अच्छा जी, कहाँ गए थे? कुछ गांव देखने। मुझसे कहे थे, मैं दिखाता, इस इलाका का सबसे अच्छे इम्पोर्टेंट गांव दिखाता। देखना तो चलिए मेरे साथ, मुझे भी तैयार होकर जाना है। हाँ चलिए, मुझे भी अपनी टीम को बुलाने के लिए तार भेजना है। हेलो। आसानी से मिला ना? जी हाँ जी, बिल्कुल। ये ताजमहल तो नहीं है मगर चलेगा। चलो बोला संभल। क्या ये जरूरी है कि जो आप तक करते आए हैं वही ठीक है? कोऑपरेटिव सोसाइटी आप सबकी संपत्ति होगी। गंगानाथ डेयरी तो एक ही आदमी की निजी संपत्ति है, आपकी नहीं, मिश्रा की। उससे फायदा कौन उठाता है? मिश्रा। मगर सोसाइटी से सब मेंबर लोग फायदा उठा सकेंगे। सोसाइटी हो तो सुबह के दूध के पैसे शाम को और शाम के दूध के पैसे सुबह मिल जाएंगे। दूध सीधे सरकारी डेयरी पहुंचाया जाएगा। सरकारी डेयरी यहाँ से 40 माइल दूर से। हाँ, लेकिन जब कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी ट्रकों का प्रबंध भी हो जाएगा।
सात आठ गांव का दूध मिला के एक ही ट्रक में भेजा जाएगा। ये हमारा मिश्रा जी को पसंद नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इससे उसका फायदा कम होगा और आप सब लोगों का फायदा बढ़ जाएगा। साहब, अपने सिस्टम में कौन बढ़ती हो सकता है? कोई भी जिसके पास कम से कम एक गाय भैंस हो। ज्यादा जानवर वालों का हक भी ज्यादा होएगा? नहीं, सबके हक बराबर होंगे। सारे मेंबर मिलकर एक कमेटी का चुनाव करेंगे, जिसका काम होगा दूध जमा करना, टेस्ट करना, हिसाब किताब रखना। इस कमेटी का एक प्रमुख होगा, जिसका चुनाव भी आप लोग ही करेंगे। हमारे सरपंच के पास पूरी 25 भैंसों है, 25 तो प्रमुख एमनेट बनाना चाहिए। ये फैसला तो चुनाव से ही होगा। डॉक्टर साहब, मैं 15 वर्षों से ही गांव में सरपंच हूं। मेरे कहने पर ही यहां सोसाइटी बन रही है। 12 माह और इन माह कोई फर्क नहीं। सरपंच जी, कोऑपरेटिव में अमीर गरीब ऊंच नीच का फर्क नहीं होता। ये सब कहने नहीं बातें, सब ऐसे ही भाषण देते हैं। पर साहब, हम तो हरिजन होते हैं। यानी हरिजन होकर तुम सोसाइटी में शामिल नहीं हो सकते? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब जाति के लोग मेंबर बन सकते हैं और सबको बराबर के अधिकार मिलेंगे। अधिकार अधिकार हमें नहीं जानते साहब, करज दिलाओगे तो बात करो। साहब घबराना नहीं, हम तुम्हारी पार्टी को वोट देंगे। जरा चुप हो जाइए। हमसे किसी को कर्जा नहीं मिलने वाला है और ना ही हम किसी पार्टी की ओर से वोट मांगने आए हैं। करज नहीं दिलाओगे तो तुम्हारी सिसोटी किस काम की? साहब हम सब गरीब मानस है, पैसा तो चाहिए ना। पैसा नहीं देते तो पति दड़ा दड़ा। देखो, हम ये चाहते हैं कि तुम लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, तुम्हें औरों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। आखिर तुम भी तो इंसान हो। आपनी मेहरबानी साहब, पर बातों से गरीबी कमती होती क्या? हमेरी समझ में एक बात आती है, रुकड़ा और कुछ नहीं। इसलिए मेरे को कर्जा देता है, तुम दिलवाओगे? लगता है हम जो कुछ कह रहे हैं वो तुम्हारे समझ में नहीं आया। समझ में आ गया, अब समझ में आ गया। अबे मैं भी कहीं बोलूं? क्या है? हमारे ख्याल से तुम शहर वाले सब चोर बदमाश हते। क्या मतलब? जो तमेरी समझ में आ गया वही मतलब। हम तुमको पहचान गए, समझे? हमेरी ये खटपटी अहिया नहीं चलने वाली। मुझे बुखार सा कुछ हो रहा है सर, लगता है मलेरिया है। बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं हो तो हो जाएगा सर, इतने मच्छर हैं। तुम्हारे पास मच्छरदानी है ना? अगर मुझे पता होता कि इस गांव में इतने मक्खी मच्छर हैं तो मैं कभी नहीं आता सर। और सर, सर आज सुबह आते ही एक ऐसा आदमी मिला जो शक्ल से खूनी लग रहा था सर,
भोला होगा भोला, हा? ऐसे टेढ़े आदमी तो हर गांव में मिलते हैं। वो तुम्हारा सर्वर नहीं फोड़ने वाला, सो जाओ। कौन है? पता नहीं, भाग गया। वही होगा भोला। उस दिन के पैसे मिल गए, दरवाजे के पास रखे थे। हाँ, पर तो मेरे को नहीं बेचना है दूध। क्यों, तुम्हें मिश्रा को बेचना ही पसंद है? मिश्रा वो तो बड़ा खोटा मानस है। ये रो क्यों रहा है बेटे? नाम क्या है तुम्हारा? भगला। मिश्रा के बारे में ऐसा क्यों कहती हो? पूरे गांव से पूछो, लूटता है हमारे को। फिर तो हमें ही बेचने में फायदा है। तमे तो थोड़ा थोड़ा चोर के भगवान जाने क्या क्या करते हो। मैं चुराता नहीं हूँ, सिर्फ उसे टेस्ट करके देखता हूँ कि दूध कितना शुद्ध है। तुम्हें क्या दूध में पानी मिलाती हूँ? मारी भैंस के नीचे 3 लीटर दूध आता है। जिसके दिल में खोट है सबको अपना सरीके समझते हैं। तुम्हारा मर्द कहाँ है? क्या मालूम, पड़ा होगा तो शराब पी के। 4 मास मोह नहीं देखा उसका। ए, चल चुप मर जा, अंदर जा जा। इस गांव में कौन कौन सी जात रहती हैं? देखो पहले तो अपना लोग, कणबी, कुंभार, भरवाड़, राजपूत और कुछ नाई लोग बस। और तुम्हारा सरपंच, वो कैसा आदमी है? मोटा मानस है। हमेरे से क्या पूछते उसका, हमेरी तो मदद नहीं करता। और ये बदमाश भोला? बदमाश मत कर साहब, शहरी लोग को देख के माथा बड़ा जाता है बस। अच्छा, राम राम। राम राम, राम राम। आया क्यों आया ये? तमेरे को क्या इससे? इन शहर वालों से दूर की राम राम अच्छी, इन्हें मैं जानू। सुने भी नहीं, पत्थर मार दें नहीं तो दरवाजा तोड़। कौन है? कोई बोलता भी नहीं। अरे आया, हाँ क्या है? अरे अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जल्दी आ लो। क्या है? मेरा छोकरा मेरे घर, जल्दी आ लो। क्या हुआ? सामान जल्दी आए, भाई को भेजा था सही डॉक्टर बुलाने पर नहीं आया, बोला आज नहीं कल, कल तक तो। मगर मैं तो जानवरों का डॉक्टर हूँ, आदमियों का नहीं। अरे इलाज तो कर लेता है, इलाज में क्या डोर क्या मानस। डॉक्टर साहब सो लगाते चल के हमारा धन नहीं बच जाएगा, उसको बचा ले डॉक्टर। देशमुख, जा
तो पाड़ी आदमा परगत राम पधारो रे आज मिले देखो इसे पानी में डाल के उबालो और एक साबुन ले आओ। मनोहर तुम इस बच्चे को आर यू गोइंग टू गिव इंजेक्शन विद दोज नीडल्स? बच्चे की हालत अच्छी नहीं है। डू यू रियलाइज दिस हाईली अनएथिकल? You have a better suggestion? You will ruin us both. Hold the baby. Listen to me. Hold the baby. सुबह तक बुखार उतर जाएगा। जब डॉक्टर आए तो उन्हें ये चिट्ठी देना। What's the time, Deshmukh? Come, let's go. ये भी कोई तरीका है इस तरह किसी इंसान की जिंदगी से खेलना? और उससे बच्चा ठीक हो गया तो? और मर गया तो? That's the risk one takes. तुम मुझे भी साथ लेकर डूबोगे? Don't worry, सब ठीक हो जाएगा। क्या है डॉक्टर साहब? है हाँ है। क्यों? इलाज करवाने का है। जानवर कहाँ है? आ, अपना इलाज करवाने का है। मगर वो तो जानवर के डॉक्टर हैं। क्या है? राम राम। राम राम। तो सर इनको अपना इलाज करवाना है सर। इलाज? मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता। आपने मोती का छोकरा को अच्छा कर दिया था ना, हमने पण अच्छा करी दियो। देशमुख मेरा बैग लेना प्लीज। यहां प्रैक्टिस शुरू करने का इरादा है क्या? कुछ दिन तो करना ही पड़ेगा। इस गांव में तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक नहीं है। राम राम। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम साहब। राम राम। बच्चा कैसा है? बहुत बहुत मेहरबानी आपनी साहब। छोकरा बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक साहब। हम सब सिसोटी में भर्ती होने आए। कौन सर? सर कितने लोग हैं? देखो मोती, तीन चार लोगों से कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बनती। कम से कम 40-50 लोग तो होने चाहिए। साहब इतना मानस किधर से आएंगे? साहब मिश्रा की डेयरी में जाके दूध बेचते। साहब हमको भर्ती कर लो सिसोटी में। बस ये देखो ये दवाई ले लो। चलो साहब। डॉक्टर साहब तुम्हारे लिए दूध लेकर आए। मेरे लिए? हाँ साहब। तुमने हमारे छोकरा की जान बचाई ना। वो तो मेरा फर्ज था। आज दूध तो आपको लेना पड़ेगा साहब। अभी दूध
देखो तुम ये दूध देना ही चाहते हो तो तुम्हें पैसे लेने पर डॉक्टर साहब आ तो एक मिनट मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि दूध कैसे टेस्ट किया जाता है। चलो हरकत, ब्रिंग। बिल्कुल चोखा दूध है साहब, एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। अच्छा, तो मेरे लिए भेंट लेकर आए, पानी की बात सोचो मत साहब। इसमें 7% फैट है सर। दैट्स गुड। और तो देखो कितना दूध है, लीटर के 2 रुपए 2 पैसे हो गए। क्या मिश्रा तो कभी नहीं देता इतना पैसा। वो माप से लेता है ना, हम फैट जांच कर लेते हैं। तुम्हारे दूध में फैट यानी चिकना ही काफी है। इतनी चिकना है उतना दाम। आओ बेन, आओ तुम्हारा भगवान वाला। ₹1.25। क्या कर रहा है यार, रहने दो भाई। अभी से दूध का भाव ₹1.25 लीटर। ए भाव क्यों कमती किया? इतने में देना है धर दो, तो वापस ले जाओ। अरे वापस केम ले जाए, दूध खराब नहीं हो जाएगा क्या? वापस ले जाओ। सिसोटी वाला ने 1 लीटर का 2 रुपया 2 पैसा दाम दिया था। तो तुम भी जाओ उन्हीं को दे आओ, पर उनका धंधा बंद हो जाए तो मत आना रोती हमारे पास। अरे चपटी सरीका तो दाम देता है, ऊपर से रुआ चलाता है। काय बुआ, आज से नहीं भड़वों को दूध देंगे। चल रही जिल्लो। कहाँ जाएगी? अरे अपना सिसोटी वाला के पास जाएगी। तू जा। अरे तू क्या खोपड़ी खराब करवा रही है? अरे मारे को मिश्रा का उधार चुका ना। अरे छोड़ मिश्रा को, चल 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 रे, वो पाड़ी ने क्या देख रही है? चल चल बामन, ए चले। ए बिंदु, ज्यादा भाव मत दिखा, याद रख तुझे अभी भैंस के पैसे चुकाने हैं, समझी? थोड़े मेर मुआ। अरे देख लेंगे तेरे को भी मारा हारा। सर कुछ अटका सा लग रहा है सर। कुछ नहीं, शांता भाभी का खत है। अरे अरे ये क्या हो रहा है, सबके सब अंदर आ रहे हैं सर। क्या तुम भी बीमार हो? भी बीमार? हाँ बीमार बीमार कुछ नहीं। तो फिर तुम्हें क्या हो गया? ये सब क्यों आए हैं सर? ये आरसी मिश्रा को दूध नहीं देंगे, शायद तुमको ही देंगे। इसको टेस्ट कर ही लियो, सिर्फ तुम्हारे वास्ते दूध में पानी भी कमती डाले है। साचे सच शायद। मिश्रा ने दूध लेने से इनकार कर दिया क्या? मिश्रा? अरे पहला तो दाम कमती देता है। अच्छा? और ऊपर से बोलता है आज नहीं कल आओ। अरे तुमको कहना क्या है? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठो बैठो। देशमुख, हमने इनसे कहा था कि सोसाइटी के लिए ज्यादा लोग चाहिए और इन्होंने वही किया है। अब दूध नहीं लिया तो हम पर से इनका विश्वास उठ जाएगा। सर मगर दूध लेकर करेंगे क्या? गवर्नमेंट डेयरी में दे आएंगे। अच्छा आज तुम्हारा दूध लेंगे पर कल से नहीं। कल से नहीं तो कल के चूल्हा में डालेंगे। देखो पहले दिन से कफला कर रहा है। देख तो खरी। देखो हम यहाँ दूध की लेन देन करने नहीं आए हैं, वो कोऑपरेटिव का काम है और कोऑपरेटिव अब तक बनी नहीं। ए पहले ऐसा कुछ नहीं कहा था, बोले था ज्यादा दाम दोगे, बोले था टेस्ट कर लियो तुम्हारा। हेलो, अरे एक साथ मत आओ, एक एक करके आओ। ए मारा रोया, तू क्या कर क्या रहा है उधर? आज छोड़ता या नहीं? अरे और खबरदार मारी भैंस को हाथ लगाए तो। अरे चल, हमारा बाप नहीं है क्या? अरे चल हट, एक तो कर्जा नहीं चुकाती ऊपर से गाली देती है। अरे अगला बार चुका भी दूंगी, कितनी बार बोले समझ में नहीं आता क्या? गांडा,
सिसोटी वाला को बुला लूंगी आज। हाँ कहते सिसोटी वाले से चुका भी कर जाओ लेते हैं भैंस। चुका दूंगी जाता है तू जाता रे घर जा तले। अरे भाई क्या हो रहा है क्या हो रहा है? देखो साहब क्या जुलम है सिसोटी में भर्ती हो गई तो मारे भैंस लेके जा रहा है बदला ले रहा है। अरे भैंस ले गए तो बेचारी खाएगी कहाँ से? इससे कमा करी तो कर्जा चुका पाएगी। आप ही मजा रहिए। ठीक है भाई मैं तुम्हारे मिश्रा साहब से बात कर लूंगा। पहले दिन जो मेंबर बने थे वही आ रहे हैं उसके बाद कोई भी नहीं आया सर ऐसा कब तक चलेगा? योर गेस इज एज गुड एज माइन। जब तक भोला और सरपंच नहीं आएंगे मामला आगे नहीं बढ़ेगा। तब तो कॉपरेटिव का ख्याल भूल जाना ही बेहतर है सर। सरपंच का मेंबर बनना कोई प्रॉब्लम नहीं वो आटे दाल का भाव जानता है मैं कल ही उसके पीछे पड़ जाता हूं। सरपंच मेंबर बन गया तो सारा गांव देखा देखी में अपने आप मेंबर बन जाएगा। मगर सरपंच से ज्यादा भोला और उसके लोगों का आना जरूरी है। केंद्रों में धर्म वर्ग और जाति के भेदभाव मिट जाते हैं। सब जाति के लोग साथ साथ लाइन लगाकर बारी बारी दूध जमा करने आते हैं। दूध का हिसाब किताब रखने के लिए सहकारी संघ की ओर से कर्मचारी रखे जाते हैं। दूध जमा केंद्रों में जानवरों के लिए अमूलदान चारा और कॉन्सेंट्रेट भी बेचा जाता है। सहकारी संघ की कमाई से जानवरों की देखभाल और इलाज का प्रबंध भी होता है। आनंद में 19 फिरते पशु दवाखाने हैं जो गांव गांव के चक्कर लगाते रहते हैं। इसके अलावा जानवरों की अचानक बीमारियों का इलाज करने के लिए कर्मचारी 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं। फिर कृत्रिम वीर्यदान का भी समय समय पर हर गांव में इंतजाम होता है। कहीं कहीं ये परिवर्तन काफी हद तक आ चुका है और कहीं कहीं बस रफ्तार पकड़ने की देर है। सबसे पहले गुजरात के खेड़ा जिले में दूध उत्पादकों ने सहकारी मंडलियां बनाई, फिर मंडलियां संगठित हुई और खेड़ा जिला दूध उत्पादक संघ बना जिसका केंद्र आनंद में है। सहकारी संघ के पास अपनी गाड़ियां हैं और डेयरी मिल्क प्लांट है जहां दूध जमा करना और दूध पाउडर घी मक्खन इत्यादि बनाने के साधन हैं। दूध जमा होकर केंद्रीय डेयरी को ले जाया जाता है जहां उसका टेस्ट करके चिकनाई के अनुसार इकट्ठा किया जाता है। भाव भी इसी पर तय होता है। हर सहकारी मंडली का हिसाब महीने के अंत में चुकाया जाता है। दूध की धाराएं प्लांट के अलग अलग भागों की ओर बहने लगती हैं। सहकारी संघ बनने से खेड़ा जिले के विकास को अधिक बढ़ावा मिला है। पर सवाल यह है कि आनंद में जो हुआ है क्या वो सफलता से कहीं और दोहराया जा सकता है या नहीं? प्रयोग सफल हुआ तो दूध का उत्पादन बढ़ेगा। बैठ जाओ सब लोग शांत रहो बैठ जाओ
वाह 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 वाह, चमत्कार थई गया। ठीक बताऊं, मारे को लगता था ये काम आपसे होने वाला था नहीं, पर आपने करी बतावया। कोऑपरेटिव तो आपके आने से ही कामयाब होगी, आप कोशिश करके जल्द से जल्द मेंबर हो जाइए। बात ये है, राम 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 साहेब, राम राम। आपके कोऑपरेटिव में आने से हमें बहुत खुशी हुई। सवेरे मैं अपने मित्रों से यही बात करता था, काम ना फायदा का काम सबको मेड़ कर करना चाहिए। आइए आइए बैठिए, मैं अभी आया। चलिए चलिए बैठिए। सिगरेट पियेंगे? अब तो केवल हरिजनों का शामिल होना बाकी है। उन लोगों का सोसाइटी से का लेवा देवा? वो लोग भोला के कहने पे चलते हैं, और भोला बिल्कुल गुंडा किस्म का आदमी है। मुझे शक है कल रात पत्थर भी उसी ने फेंके थे। बिंदु जरा ठहरना, कहाँ जा रही हो? रेत क्या मालूम के यहाँ घुस गई, भड़की गई थी। तुमसे कुछ पूछना था। क्या? तुम्हारे भोला को क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ भी नहीं, अड़ियल मानस है बस। ठीक है, लेकिन हमने उसका क्या बिगाड़ा है जो इतना हमारे खिलाफ है? सामने कुछ नहीं बिगाड़ा, पर दूसरा एक था शहर वाला। कौन? उसका बाप। बाप? ओली गांव की सड़क है ना, उसका कंट्राटी था। भोला की माँ उसके घर पे झाड़ू लगाती थी, उसको पेट से करके निकल गया सारा बकमास, तब भी भोला ऐसा है। अच्छा, तुम उसे सोसाइटी में आने को क्यों नहीं कहती? बड़ा है शायद, किसी की नहीं सुनता। उसके आने से सोसाइटी का बहुत फायदा होगा। पूछ के तो देखो। तुम बोला तो क्या देंगी? हाँ, सरपंच से कैसे बनती है? बिल्कुल नहीं बनती। क्यों? उसको 1.5 बीघा जमीन मिल रही थी, ये यही। फिर क्या हुआ? सरपंच ने अड़चन कर दी, और क्या। भोला अपनी जात का है ना। अच्छा, तुम्हारा बाल बच्चा है? नहीं। क्यों, लगन नहीं हुआ? तुम्हारी घरवाली रुपाई है? न जाने तुम्हारी भैंस कहां गायब हो गई, हमेशा ऐसा ही करती है क्या? आ जाएगी शायद, तुम्हें जाओ। अच्छा चलता हूं।
कृत्रिम वीर्यदान के लिए वीर तंदुरुस्त भैंसे से प्राप्त किया जाता है। फिर उस वीर्य को एक क्लास ट्यूब में डालकर जरूरत पड़ने तक बर्फ में रखा जाता है, और जब लगता है कि भैंस गर्मी में है तो डॉक्टर उसकी गुदा में हाथ डालकर इस ग्लास ट्यूब से वीर्यदान करता है। बिना गर्मी के जानवर का कृत्रिम वीर्यदान करना कोई फायदे का नहीं। जिस भैंसे का वीर जमा किया जाता है वो ज्यादा दूध देने वाले भैंस की नस्ल का होता है। कोई हरिजन नहीं दिखाई दे रहा है? हमारे अधिकतर आपको पता नहीं, दूध बेचने से झोला पकड़ा गया डॉक्टर राव, पकड़ा गया। हाँ, कैसे पकड़ा गया? वो तो जानवर कमजोर, पर वो लोग कहते हैं कि हमने पकड़वाया उसे। डॉक्टर साहब, जानवरों की नस्ल सुधारने से ही उत्पादन बढ़, वो तो बहुत लफंगो थे, सबको दुखी करता है हरामजादा। उस दिन पर हरामजादा ने फिल्म शो में पत्थरा फेंका था, पौष्टिक खुराक भी मिलनी चाहिए, मैं ही उसे जेल में बंद करवा दिया। आपके पास कोई सबूत है कि उसी ने किया था? आपके ही मानस ने फरियाद की थी। हमारे आदमी कौन था? देशमुख साहब, मुझे बहुत गुस्सा आया जब पता लगा कि आपके साथ भी उसने बदमाशी की थी। आप तो गामना मेहमान है जो सहकारी मंडली के हर दफ्तर से प्राप्त। 6 महीना तो चक्की पीसे गई, मैंने उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखी थी। कृत्रिम वीर्यदान योजना, ये अच्छा नहीं हुआ। दूध उत्पादकों का काफी लाभ हुआ है, उनको अच्छे नस्ल के जानवर मिले हैं, दूध का उत्पादन बढ़ा है, उत्पादन का खर्च भी कम हुआ है, और गर्भाशय के बीमारी वाले जानवरों का इलाज भी होने लगा है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। देशमुख, क्या तुमने भोला के सरपंच से शिकायत की थी? नहीं तो। सरपंच तो यही कह रहा है। हाँ, इसे मेंशन किया था शायद, फिल्म शो पे भोला ने ही पत्थर फेंके थे। जानते हो उसे जेल में डाल दिया है। जेल में? अब एक भी हरिजन हमारे पास नहीं फटकेगा। Thank you.
शहर। चाय पियोगे? हाँ। तुम्हारे लिए एक लेटर आया है। लेटर कहाँ है? वही है। कोई अर्जेंट काम था क्या? हाँ। भोला को लॉकअप से छुड़ा कर लाया हूं। मनोहर, शांता आ रही है, मुझे नए घर का इंतजाम करना। हर एक को देखना है कि अपने प्रांत से वफादारी तो हो, लेकिन हमारे भारत से भी हो, अपनी भाषा से हो तो भारत की सब भाषाओं से। इस जाति से इतना लगाव हो गया कि छोड़ना भी नहीं चाहते। शांता, तुम यहाँ के लोगों की जिंदगी समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? इसमें भी अच्छाइयाँ हैं। तुम्हें वो लोग इसलिए अच्छे लगते हैं कि वो तुम्हें बड़ा आदमी समझते हैं। ओह नॉनसेंस। तुम्हारी इज्जत करते हैं। मजबूरी में होती तो मैं एक पल के लिए भी नहीं कहती। मैंने तुमको यहाँ तो जबरदस्ती नहीं बुलाया था। बुलाया तो तुमने था। हाँ हाँ, बुलाया था इसलिए कि हरकत में वही शिकायत थी कि मैं अकेली हूँ, दुखी हूँ। हेलो सर। हेलो। गांव में रहना शांता भाभी को कैसे लग रहा है सर? एडजस्ट हो रही है, मगर थोड़ा समय तो लगेगा। देशमुख, आई एम नॉट हैप्पी अबाउट द वे थिंग्स आर गोइंग। अब तक तो बस सरपंच जैसे खाते पीते किसान इस सोसाइटी में शामिल हो रहे हैं। हमें भोला और उसके लोगों को मेंबर बनाना चाहिए। हाँ, मगर एक प्रॉब्लम है। भोला के मेंबर होते ही सरपंच सोसाइटी छोड़ देगा। खामखा लोकल पॉलिटिक्स में पढ़ने से क्या फायदा? लेकिन हरिजनों के बिना कोऑपरेटिव का मतलब ही क्या है? हाँ ठीक है, तो इतनी जल्दी क्या है? कुछ दिन ऐसे चलने दो, मेंबर बनने के फायदों का पता चलेगा तो हरिजन भी आ जाएंगे। द पॉइंट इज, शुरू से ही सिर्फ पैसे वाले किसान मेंबर होंगे तो शायद हरिजन ये समझे कि सोसाइटी उनके लिए नहीं है। हो सकता है उन्हें आने भी नहीं दिया जाएगा। तुमने तो हरिजन नॉन हरिजन को मेन इशू बना रखा है, जबकि मेन इशू कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना है। यू आर रॉन्ग। हम ये चाहते हैं कि गरीब से गरीब किसान भी कोऑपरेटिव मूवमेंट से फायदा उठाए, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस गांव में गरीब ज्यादातर हरिजन हैं। देखो, पहले से हरिजन सुधार का फैसला करके आए हो तो मुझसे क्यों पूछते हो? माँ, बोला, तुम सोसाइटी में क्यों नहीं आते? तुम नहीं आओगे तो तुम्हारे जात वाले भी नहीं आएंगे, वो सब तुम्हारी बात मानते हैं। हमेरी सोसाइटी बड़े लोगों की, हमेरा उससे कोई फायदा नहीं। मगर सोसाइटी से ज्यादा फायदा गरीब किसानों को ही मिलना चाहिए। अपनी ओर से अपनी बिरादरी वालों का जीवन बेहतर नहीं बनाना चाहते? अमेर जीवन, तुम अमेर जीवन के बारे में बात करते साहब? क्या जीवन?
ओ साला देशमक, सरपंच दो बात पक पक कहीं बोला जेल खाना में बंद। हम नीच डोर, हमेरा क्या, हमें बाप दादा भी जिंदगी भर तुम्हारे तलवे काटते रहे, हमारे सामने हाथ जोड़ते, तुम्हारी मार खाते, तुम उन पर थूकते, उनसे मुफ्त में काम करवाते, हमें हमारी औरतों के साथ बदमाशी करते। हम जानते हमारे साथ ही क्या कर रहे इस गांव में, हम जानते। चलो चलो दिखाओ, चलो मार साहब अंदर आओ, अंदर जाओ, देखो ये क्या हो रहा है। हमारे साथ वाले सेठ का चल रहा है। हमारा साथ वाला कौन? ओ लाल कमीज वाला, ये हाड़ी उसके पीछे गर्म है, वो इसे कहता है शादी करके शहर ले जाएगा, घर बसाएगा। हम शहर वाले सब एक जैसे आते, खूब मजा किए और पति छोड़ के भाग जाते। मैं जानू डॉक्टर साहब, मारी मां को भी ऐसा ही मलिया था एक। हाँ, चंदावरकर, चंदावरकर गेट अप, उठो सर, अपना सामान बांध लो और मेरे साथ चलो। गेट अप, गेट रेडी, यू आर आउट, तुम्हारी यहां अब जरूरत नहीं है, समझे? मैंने क्या किया सर? यू नो ब्लडी वेल व्हाट यू हैव डन। मैं अभी अभी उस लड़की के घर से आया हूं, जानते हो उसके बाप ने उसकी मार मार के क्या हालत की है सर? असल में मैं चुप, फौरन अपना सामान बांध लो, अभी अभी इसी वक्त। Don't be so harsh, my heart. Give him a... तुम बीच में बात मत करो। Okay, get going. परेशान लग रहे हैं। चंदावरकर को निकाल दिया। क्यों? तुम नहीं समझ पाओगी। एक हरिजन लड़की से उसकी चल रही थी। थू? इसमें थूथू करने की क्या बात है चंदावरकर? और इतना गिरा हुआ। मैंने पहले ही कहा था ना कि तुम्हारी समझ में नहीं आएगा।
ये रहे आज के आंकड़े। अरे आज के आंकड़े भी कल से कम है। दूध भी कुछ शुद्ध नहीं है, लगता है कि पानी मिलाते हैं सारे। ये सब कॉपरेटिव की वजह से हो रहा है साहब, हमने जो कुछ आज तक किया उसका कोई असर ही नहीं हुआ। तुम लोगों में काम करने का सलीका इतना भी नहीं है। अरे अपनी दुर्दशा का दोष औरों को क्यों देते हो? हमारे भाग्य में वो ही आएगा जो आना है, जो भाग्य में नहीं है वो नहीं आएगा। जो नहीं मिल सकता है उसकी कामना करना ही व्यर्थ है, समझे? ओ कोऑपरेटिव के आंकड़े हो तो वो भी दिखा दो मेरे को जरा। अरे सुनी नहीं मेरी बात, कोऑपरेटिव के आंकड़े हो तो वो भी दिखा दो। ये उसके नीचे है। अरे तो बोलता क्यों नहीं है उसके नीचे है, मुझे सुपड़ा आएगा क्या? अरे सुना है कि सांगड़वा गांव का भोला और सरपंच भी सोसाइटी में शामिल हो गए हैं। जी देखो जो लोग हमारे मुकाबले में है ना, उनमें काम करने की लगन बड़ी अधिक है। आज से हम भी जी जान लगाकर काम में जुट जाएंगे और कल से दूध खरीदने का पाव हम बढ़ा देंगे। हम ज्यादा कैसे दे सकते हैं, तब तो हमारा सारा व्यापार ही ठप हो जाएगा। अरे अकल बड़ी के पैंस। अरे जो हारने को तैयार होता है जीत उसी की होती है, जिसमें सहन शक्ति होती है ना भगवान भी उसकी सहायता करते हैं। परिश्रम और सहन शक्ति ही मोक्ष पाने के उत्तम तरीके हैं, ये बात गांठ में बांध के रख लो। गंगानाथ डेयरी को दूध बेचिए, गंगानाथ डेयरी ने अपने भाव बढ़ा दिए हैं। गंगानाथ डेयरी ने आपके फायदे के लिए एक लॉटरी शुरू की है, आप भी गंगानाथ डेयरी को दूध बेचकर अपनी किस्मत आजमाइए और 1,000 रुपया नगद जीतिए। कपड़ा भला सफेद और नारी तो यानी भली और कड़ा। इधर हम तो मेरी सिसोटी में आ गया, उधर उस मिश्रे हाले ने दूध ना भाव बढ़ा दिया, हमारे साथ तो खोट सही गई साहब। ये सब सोसाइटी तोड़ने की चालें हैं, बाद में और भी कम कर देगा। एम क्या दूध की अच्छी कीमत देना ही सोसाइटी का काम है, जो भी लाभ होगा तुम्हारा ही होगा। जानते हो एक सोसाइटी ने अपने गांव से मेन रोड तक पक्की सड़क बनाई है। हाँ। और उन्हें ट्यूबवेल्स लगाए, स्कूल बनाए, स्कूल बनाए। तुम भी ये सब कर सकते हो क्या? मिश्रा करेगा ये सब तुम्हारे लिए? हाँ साहब, हाँ सब तुम जाने। तुम्हारी भैंस का इलाज, उसका दाना पानी, उसकी अच्छी नस्ल, इन सब में सोसाइटी तुम्हारी मदद कर सकती है। गाँव में जो भी छोटो मोटो काम हो सोसाइटी टांग अड़ाएगी। हाँ जरूर जरूर, क्यों शादीवादी करने का इरादा है तो वो भी करवा देंगे। अरे नारी तो यानी भली। ठहरो भाई, गंगानाथ डेयरी चलो, गंगानाथ डेयरी चलकर बेचो, वहाँ पे आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या भरोसा, आज है कल बंद हो जाएगी। ए जा जा, गंगानाथ डेयरी चलो, वहाँ पे ज्यादा पैसे मिलेंगे। अरे मैं तो ठीक ही कह रहा हूँ भाई। अरे मिश्रा के, अरे मैं तुम्हारे भले की बात कह रहा हूँ। छोड़ दूंगा, खामखाई नाराज हो रही हो तो कहीं और से क्यों नहीं लेता? अरे तुम्हें खामखाई नाराज हो रहा है? बोला कौन है ये? फेरा आदमी है। चलो ठीक है, देख चलो। बोला कल फिर आपका मैंगनी रूट का दूध खराब निकला, यू शुड बी मोर केयरफुल। स्टार्टिंग पॉइंट से तो ट्रक ठीक समय पे निकलती है, यहाँ पहुँचने में बार बार क्यों देर होती है पता नहीं। ये मालूम करना आपका काम है, मेरा नहीं। हेलो,
अपनी लेन में हालो हालो तमे भी वहां खड़े हो हालो हालो तम लोगों ने अपनी लेन है हालो हालो तुम्हें नहीं हालो हालो अपनी लेन में हालो अलग लेन क्यों अमेरिका जाता है उल्टो जवाब मत दे जाओ जाओ तुम्हें भी अपनी लेन में खड़े हो जाओ खबर पड़ी के बैरो है राम क्या था कुछ यार पैसा कमाने को मिला तो अपनी हैसियत भूल गए जाओ वहां जाओ सर क्या हो रहा है गाड़ी गर्म हो गया साहब क्या है गाड़ी गर्म हो गया साहब यहाँ कितनी देर से सो रहे हो 10 मिनट हुए जानते नहीं ऐसे धूप में खड़े होने से दूध खराब हो जाता है ये डब्बे किसने खोले मेरे को क्या मालूम कई दिनों से इस रूट का दूध लेट आ पहुंच रहा है और तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट्स आ चुके हैं बाजार के बारे मत करो साहब मुझे नहीं चलाना आपका ट्रक मार में जाए आपका ट्रक आपकी नौकरी आ रही है क्लॉक खराब ठीक करा था मेरे पैसे कल ऑफिस में आके अपना हिसाब चुका लेना बोला जीप लेकर चले आओ हमारी ताकत कैसे बढ़ रही है इसका लाभ क्या है इम्तिहान क्या है और अब और हम अब भुला आओ आओ अंदर आओ भारत हर वर्ष सुबह 777 डिटर्जेंट बार 1.14 रुपए और वजन 160 ग्राम नहीं 170 ग्राम नहीं डॉक्टर राव ये आपसे कुछ कहना चाहता है 1.14 रुपए में क्या है भोला सुबह 777 बार कैसे चल रहा है भोला कोऑपरेटिव से खुश हो ना वो चुनाव के बारे में कहीं बात करनी थी साहब वो इलेक्शन के बारे में डर रहा है क्या है साहब वो सरपंच है ना सरपंच वो क्या चाहता है कॉपरेटिव को अपनी जागीर बनाई ले और बाद में उसको अपने फायदे के लिए चलाएगा और बैठ के खाए आप उसको खाने देते साहब ये देखो ये सब हमारी मर्जी से नहीं चल रहा लेकिन साहब आपको तो पता है सारा मामला क्या है मेरे को एक भूत से छुटकारा मिला तो दूसरा भूत सामने आ गया पहले सिर्फ मिश्रा था अब वो सरपंच भी है मां ये सब तुम लोगों के हाथ में है अगर हालात बदलना चाहते हो तो बदल सकते हो लेकिन साहब आप हमारी कहीं मदद करो ना अच्छा मैं आता हूं तुम्हारा प्रतिनिधि खड़ा होगा तो तुम्हें अपनी ताकत का अंदाजा हो जाएगा हाँ जी बस अपनी काय की ताकत साहब हमेरा माना खड़ा हुआ तो सरपंच बदला लेगा देखो ये हमें नहीं मालूम ये आप लोगों का आपसी मामला है अभी भी उन लोगों से इतना दबते हो तो इस समस्या पर बोलने का तुम्हें क्या अधिकार है सब मेरे को मालूम साहब सरपंच मोटी ताकत वाला माना है अगर तुम सब एक हो जाओ तो तुम भी कुछ कमजोर नहीं सरपंच को प्रमुख बनाओ साहब है चुनाव लड़ेंगे हाँ हाँ लड़ेंगे उसको जो करना है कर लेवा दो साहब आप बताओ हम प्रमुख पद के लिए कौन खड़ा करें अभी तुम समझाओ इसको सर तुम होता है परदेसी तो मेरे को सरपंच कुछ नहीं बोलने वाला पर अपना तो सत्यानाश कर देगा वो मोती तुम लोगों ने हमारी राय पूछी हमने दे दी अब जो तुम बेहतर समझते हो वही करो कम ऑन अपनी लड़ाई अपने आप लड़ेंगे अपने हिजड़ाना थी
इस तरह एक पक्ष की तरफदारी करना ठीक नहीं। पता है इसका नतीजा क्या होगा? भोला और सरपंच के कारण पूरे गांव में तनाव बढ़ जाएगा। मुझे तो कोई बुराई नहीं दिखती। हमें दोनों पक्षों के साथ एक साथ व्यवहार करना चाहिए। एक के पास पैसा और सत्ता और एक के पास कुछ भी नहीं, दोनों से एक साथ व्यवहार ऐसा नहीं हो सकता। बिंदु बिंदु क्या है बगला? बिंदु अब तुमसे नहीं मिलेगी, जाओ। क्यों, बाहर गई है? उसे सोसाइटी का काम था। मैं आ गया हूं अब। बिंदु सिसोटी का कोई काम बात नहीं करवानी। तुम उसके आदमी हो क्या? तो क्या मैं उसका बाप दिखता हूं? जाओ, फिर से मारी जोरू का पीछा किया तो देख लेना, मार मार के भूसा भर दूंगा। पढ़े लिखे होके हमारी औरतों का पीछा करता है? हराम जाना कुतरा, वो भी खराब है हड़ी। ध्यान रखना, अगर फिर उस पर नजर उठाई तो तमेरी सिसोटी को माटी में मिला दूंगा। सो गई शांता? देश के प्रत्येक नागरिक का यही कर्तव्य है कि वो प्राचीन युग की कलात्मक वस्तुओं को तस्करी द्वारा भारत से बाहर जाने। तुम हरिजनों को इतना मुख्य लगाती हो? तुम ही क्या? तुमसे ये सब किसने कहा? उन दीवारों ने। दीवारों ने? और कौन है सुजाट जी बात करने के लिए? मुश्किल ये है कि तुम न तो मेरी जिम्मेदारियां समझती हो न मेरी मजबूरी। हाँ हाँ, मैं कुछ नहीं समझती, कुछ नहीं समझ सकती। मैं जाहिल गवार हूँ ना इन हरिजनों से भी कई कुछ जिन्हें तुम इतना चाहते हो। तुम क्या चाहते हो, मैं यहाँ पड़ी पड़ी पागल हो जाऊं? मैं जानता नहीं क्यों कदम को हाथ नहीं लगाने देती है। गांव में यार लग छोड़ रहा है, उसके बाद से गर्म ई हुंगता आया नहीं हो चुकिया। सुबीरे सुबीरे, पगला ना कसम, फिर हाथ मारा तो मैं कुआं में पड़ जाऊंगी। पड़ जा हाई, पड़ जा, ऊपर की दो मनमाटी और डाल दूंगा। हाई कंजाब, उस डॉक्टर के पास जाकर मेरा मौत गवा करती है, देख लेना तेरी क्या हालत करता हूं। छोड़ूंगा नहीं।
लगन के बाद लगता घर में अपना राज होगा, पर होली ना रंग और जाए ना क्यों ना। कोऑपरेटिव के मेंबर होने के फायदे अब यहाँ के लोग समझने लगे हैं, मगर अब आगे सब भोला और सरपंच पर डिपेंड करता है। इलेक्शन में कहीं जातिवाद हो गया तो बात बिगड़ जाएगी। यहाँ के लोकल पॉलिटिक्स में हमें नहीं उलझना चाहिए। नहीं जाके चला, हालात अपने आप सुधर जाएंगे। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम भोला। अब अंदर आओ, अंदर आओ। बिंदु आई। बिंदु कैसी हो? उसकी भैंस मर गई ना, ओ नवी भैंस लेने के लिए सिसोटी ने मदद मांगती। अच्छा, कल की मीटिंग में देखेंगे, इसे लेकर आना। अरे मीटिंग में सरपंच हाड़ा ना कर देगा, देख लेना डॉक्टर साहब। बोला फिर तो आने वाले चुनाव के बाद ही कुछ हो सकेगा। हाँ यहां तक है भूखी मर से क्या डॉक्टर साहब? बिंदु नहीं ले। अरे क्या हो गया इसे? क्या मालूम। बोला तुम दे दो। बिंदु 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 आले तारी बच्चे भीख मांगने गई थी। अरे तो फिर काय को कह रही थी कि मारे साथ में चल? अरे मारी बात समझाने गई थी, मेरे को लगा वो समझ लेगा, मेरे दुख बांट लेगा, वो भी और तरीका निकला। आले राखी ले। खामोश। सोसाइटी प्रमुख पद के लिए एक ही नाम आया है, सरपंच जी का। किसी और का नाम नहीं आया तो वही प्रमुख माने जाएंगे। हम भी अपने आदमी ने खड़ा करेंगे। अमर मोती का नाम लिख दो। उन्हें खड़ा था सरपंच के सामने। अरे क्या रखा जाता है? मोती मैं कहता हूँ घबरावे नहीं, कहीं बात नहीं। हम वही करेंगे जो बोला कहेगा। साहब हरिजन लोग अपने आदमी ने वोट देंगे। देखो सबसे अच्छे उम्मीदवार को वोट देना चाहिए, उसकी जाति को नहीं। शायद आ हरिजन लोग हाथ मिलकर वोट देंगे तो हम बाकी गांव का वोट सरपंच को दिलवाएंगे। सरपंच के सामने जो कोई खड़ा होगा तो देख लेना। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? इस तरह तो गांव में जातिवाद बढ़ जाएगा। अरे आ ऊंची जात वाले हमारा साथ छोड़ दे, देख लेना। सिक्योरिटी को धोखा देकर भागी जाएंगे। ये बात मैं किसी से सुनना नहीं चाहता। सोसाइटी की कोई जात पात नहीं होती, समझे? कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब है कि कोई भी किसान चाहे किसी भी जाति का हो मेंबर बनकर लाभ उठा सकता है, है ना? तो है सर। तो फिर बाणस और ढोर ने एक ही लाखड़ी से हांकते हो डॉक्टर साहेब। क्या बोला? और बोलता है अब सिसोटी ने अंदर बात नहीं हती तो तेरी जबान खेस में था। बैठ जाओ बच्चे, बैठ जाओ। ये क्या पागलपन है? क्या बच्चों की तरह झगड़ रहे हो? बोला बोला हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। तुम लोग सब घर जाओ। ऐसी हालत में इलेक्शन मीटिंग नहीं हो सकती। तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाए तभी बात होगी। चलो सब लोग यहां से चलते हैं। चलो
चल मोती मैं तो देखूं तारी बात बिना बीते नहीं रात कौन कहूं दिली बात मैं तो थाकी रे अक्कल ना छाटा नहीं बेकार में सरपंच से लड़ाई बोली तो तुम्हें सिसोटी में आने के लिए कौन सत्र ने कहा था तुम्हें मालूम नहीं कि झगड़ा हुआ नहीं है ओ हालो सरपंच नो बेटो अपनी मनमानी करता रहे हम बैठे रहे आत्मा तो क्या लड़ोगे उससे हाँ लड़ेंगे हे हमारे तुम्हारे पास लड़वानी ताकत बोला हम अपने ठिकाने से ऊपर जाने की बात नहीं सोच सकते जिंदगी में कभी काई नहीं सीखने वाला अपने बाप दादा की तरह जा तू भी ही करी ना पर या चाट सरपंच ना बोला अरे बात तो सुन बोला आई थिंक इट्स टाइफाइड आई वुड सजेस्ट यू टेकिंग हर इनटू टाउन फॉर इट्स बी सो मच इजियर टू लुक आफ्टर हर देयर Thank you very much, Doctor. Ansuya? Bhaiyo, main gaam ne loko ne vaaste koi nava manas nahi hu. पाछला 20 वर्षों से मैं गांव की सेवा कर रहा हूं और जैसा कि आप सब जानते हैं इसी भारे सेवा के फलस्वरूप 2 वर्ष पहले अपनी पंचायत में जिला पुरस्कार मिला और जो सोसाइटी यहां स्थापित हुई वो भी मारे प्रयत्नों से हुई पर पाछला 20 वर्ष से मैं ही गांव की जिम्मेदारी का भार अपने कंधों पर लिए हुए हूं और फिर सबको अपनी अपनी हैसियत का पता होना चाहिए छोटा बड़ा का अंतर रहे तभी गांव में अनुशासन रह सकता है तभी सबका जीवन सुख शांतिमय बन सकता है अरे तुम लोग सरपंच ने प्रमुख बनाओगे उसे वोट देकर तुम्हें क्या फायदा होने वाला है समझते मोती अगर प्रमुख बन गया तो बस अपने जात वालों की मदद करेगा अरे तुम्हारी जाड़ी खोपड़ी में ये बात घुसती क्यों ना थी कि हम सब गरीब लोग मिलकर सिसोटी को सबके फायदे के लिए चलाएंगे जो दुख दर्द तुम्हारे हमेरे भी दुख दर्द वही है मोती आपनो मोती अमेर सरीका गरीब मानस है सबके फायदे की सोचेगा इसको वोट दो सरपंच तो सिसोटी ने भी अड़प कर ही लेगा क्या मैं झूठ बोलता है गया वर्ष पंचायत ने नवा किस्म का बीज खरीदिया और सब उसने अपना खेत में बो दिया पर स्कूल बनाने का कंत्राट उसने किसको दिया एना ससुरा भाई को अरे एवा माना अमेर तुम्हारे लिए कहीं करेगा क्या कुछ ना ही करेगा ये सब खटपटी और हाला जिला परिषद में ऐड करने के लिए कर रहा नहीं तर उसे सिसोटी से क्या जरा सोच विचारी ने वोट डालना सुना है आपके कुछ लोगों का कल रात हरिजनों के साथ झगड़ा हुआ था एम लेकिन मैंने तो कुछ पढ़ नहीं सुना आपके सुने न सुने से कोई फर्क नहीं पड़ता इस
इस तरह आपस में लड़ाइयां होती रही तो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं होगा। यही बात अगर उस भोला को कह दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भोला, राम राम जी। भोला देखो, और गड़बड़ नहीं होनी चाहिए वरना इन झगड़ों से सोसाइटी टूट जाएगी, समझे? मैंने समझता क्या डॉक्टर साहब? हूँ जानू, ये सारी गड़बड़ हो हाड़े सरपंच के बच्चे ने कराई, उनका जो जी चाहे करे। बच्ची में ससम सेंस, तुम्हारी अकल को क्या हो गया? सरपंच जी और मोती को बराबर बराबर के वोट मिले हैं। सोसाइटी के रूल्स के मुताबिक दोनों नामों की पर्चियां डालकर एक नाम निकालना पड़ेगा। मुल्ला, वो कागज ले आओ। अतुल, एक बच्चे को ले आओ। आइए ना सरपंच जी। ये नाम लिखो। हाँ, बच्चे इधर आइए ना सरपंच जी। मोती आ जाओ, आइए ना। हाँ, उसमें डाल दूंगा। बच्चे, इसमें से एक कागज निकाल। इस गांव के दूध उत्पादक सहकारी मंडली के नए प्रमुख हैं मोती। कभी नहीं हो सकता। मैं जिंदगी में आज तक इलेक्शन नहीं हारा, तुमने मेरी इज्जत माटी में मिला दी। तुम मारे को जानते नहीं हो डॉक्टर, यही पंचायत में इलेक्शन में बड़े बड़े नेताओं भाषण देने आते हैं और तुम्हारी इस फटीचर सोसाइटी पद के लिए मेरी नाक कटवा दिया तुमने। मगर गांव में पंचायत की बात चलती है, तुम चाहते हो सोसाइटी पंचायत की जगह ले ले, ये नहीं हो सकता। जाओ जाओ, दोबारा पर्ची डालो और इस बार मेरा नाम आ जाइए। आप जानते हैं ये कानून के खिलाफ है। कानून कदो भाग मां, एक बार घोषित कर दो कि मैं जीत गया, उसके बाद मैं अपने आप इस पद से राजीनामा दे दूंगा। मैं मजबूर हूं सरपंच जी। फेरी करनी थी तो पहला बताना था, मैं खड़ा ही नहीं रहता। तुमने मारा गांव को बर्बाद कर दिया, अभी तुम्हारी ये चाल और ये गांव में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। Yeah!
अरे कौन? बिंदु बहन। आओ 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 बिंदु बहन, आओ 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 बिंदु बहन, आओ आओ बैठो बैठो बिंदु बहन, कुर्सी में बैठो बिंदु बहन, कुर्सी में बैठो बैठो। सुना है कि आजकल बड़ी तकलीफ में रही हो, मर्द छोड़ गया था, भैंस मर गई है, हमको क्यों नहीं बतलाया? तुम जानती हो कि मुझे तुम लोगों की कितनी चिंता रहती है, तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। भैंस कब मिलेगी? मेरी तरफ से कोई देर नहीं है, अभी तबेले से खोल आंख ले जाओ, मैंने तो रसीद तक तैयार की हुई है। इधर अंगूठा लगा दो और उधर गाय तुम्हारी। सूद क्या लोगे? कैसी बात करती हो, सूद कौन कमीना मांगता है, बस इस पर अंगूठा लगा दो। पर एक बात का ध्यान रखो बिंदु बहन, इस पर जो कुछ भी लिखा है बाद में उससे मुकरना नहीं है। क्या लिखे है? अरे पगली, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे तुझे नुकसान पहुंचे, चाहो तो पढ़वा लो। लगा देंगे मिश्रा जी, आप चिंता मत करो। लाओ इधर अंगूठा लाओ बिंदु बहन। हाँ। लीजिए वकील साहब। लेकिन ये इसे कहीं मुकर तो नहीं जाएगी? वो आप माली पे छोड़ी थे। नहीं, इसका मतलब है कि मेंगनी गांव को एक घंटा पहले पहुंच जाए तो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? We have to employ a driver on daily wages. देशमुख, मगर ये डॉक्टर राव। यस नमस्ते जी, आपसे एक मिनट प्राइवेट में बात करनी। एक्सक्यूज मी, एक ड्राइवर और रखेंगे तो खर्चा काफी बढ़ जाएगा। हाँ। अभी हमारी इनपुट तो इतनी नहीं है। वेट वेट, लेट डॉक्टर राव कम बैक। देख लीजिए, आराम से पढ़िए, जल्दी कोई नहीं। मेरी क्लाइंट ने आप पर बलात्कार का इल्जाम लगाया। व्हाट रबिश! इसी गांव की है, बिंदु नाम है उसका। बिंदु आप पढ़ लीजिए। यह सरासर झूठ है। झूठ सच का मैं नहीं जानता, पर मुकदमा आप पर जरूर चलेगा, बात चारों तरफ फैलेगी। और तो फिर आप यहां क्यों कीचड़ उछालने आए हैं? इस कीचड़े को कोर्ट में क्यों नहीं पेश करते? आप खामखा मुझ पर बिगड़ रहे हैं, इल्जाम मैं नहीं लगा रहा, मैं तो सिर्फ वकील हूं, आपकी इज्जत करता हूं। प्लीज प्लीज गो अवे। इसलिए आपको बताने चला है कि अगर आप अपनी तरफ से कार्रवाई करना चाहे कर ले। नमस्ते। क्या बात है, वो क्यों आया था? कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं थी। So we will employ another driver and from Mingni we will take the route. Sorry, मैं घर जा रहा हूँ। सरपंच जी, आ
नमस्ते सरपंच जी, नमस्ते जी, नमस्ते। कहिए सब कुशल है जी? सब ठीक है। आइए आइए अंदर आइए। आइए ना सरपंच जी, पहले आप चलिए ना। चलिए चलिए। डॉक्टर राव, क्या बात है? हरिजन बस्ती को आग लगा दी गई है। व्हाट? किसने लगाई? शायद सरपंच के लोगों ने। ओह माय गॉड, जस्ट प्लीज वेट, आई वोंट बी अ मिनट। शांता सो जाओ ना प्लीज। शांता, अनसुया, शांता के पास बैठ जाओ जरा। देर लगा दी मुला, क्या खबर है?
कोई अच्छी खबर नहीं है डॉक्टर राव। हरिजनों के अलावा सारे गांव वाले जमानत पर छोड़ दिए गए हैं। दैट्स अनफेयर। आप ठीक कहते हैं, लेकिन मेरी राय में तो इन लोगों को कुछ दिन और लॉकअप में रखना बेहतर होगा, वरना टेंशन बढ़ जाएगी। क्या टेंशन की वजह यही लोग हैं? मेरी राय तो आपने सुन ली, मगर आप इंसिस्ट करते हैं तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से बातचीत क्यों नहीं कर लेते? आपको कैसे पता कि दोष हरिजनों का है? गड़बड़ होते ही सब यही समझते हैं कि हो ना हो कसूर हरिजनों का ही है। हाँ थानेदार साहब हैं? हाँ जरा बुलाना जल्दी। हाँ हेलो। हाँ महिपत सिंह जी। हाँ जी मैं मिश्रा बोल रहा हूँ जी। हाँ नमस्ते जी। नमस्ते, क्या हाल है जी? हजूर एक गुजारिश है, वो जो आपने हरिजन लोग पकड़ रखे हैं ना, हाँ जी मैं उनकी जमानत देने को तैयार हूँ जी। चलो आ जाओ सब, चलो उतरो, नीचे उतरो, चलो जल्दी करो, चलो चल के अंदर बैठो, आओ चलो उतरो। ए मोती, आया किस लिए हमको? मिश्रा जी चाय पानी दही ने स्वागत करेंगे। हालो हम इससे जमानत दे के बहु मुझे कब भी तो हम जा कर चलो बैठ जाओ बाजार, सब बैठो, ताना नाथा सब बैठो, अरे शर्माओ नहीं, बैठ जाओ सब बैठो बैठो बैठ जाइए, बैठो चलो बैठो। मोती मोती उठो, इधर क्यों बैठे हो? उठो उठो उठो, उधर बैठो ना कुर्सी में, हैं शाबाश। अरे बोला इधर आओ, आओ ना बोला, भोला अंदर आ, भोला चलो भोला भोला। अच्छा 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 बैठो बैठो, कोई बात नहीं बैठो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों के पुराने संबंध आप लोग भूल गए होंगे, पर मैं नहीं भूला। अपना वही होता है जो मुसीबत में काम आए, तुम्हारे कष्ट और पीड़ा देखकर मेरा दिल पर आया। चुप कराओ ना इसको। तुम्हारे कष्ट और पीड़ा देखकर मेरा दिल भर आया, आखिर मुझे भी तो तुम्हारे दुख सुख में शामिल होने का हक है। अब जिन जिन के घर जल गए हैं वो दफ्तर में आकर अपना नाम लिखवा दें, उनकी मदद का कोई ना कोई इंतजाम किया जाएगा। और तुम सब बाबू लोगों के बहकावे में आ गए थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बच्चों से गलतियां तो हो ही जाती हैं, पर हम बड़ों का तो फर्ज यही है कि उसे नजरअंदाज कर दें।
अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि कौन दूध है और कौन पानी। अरे हेड़ी बकवास सुनने को आए क्या हमें यहाँ? ऐसा दही ने फिर बेकार बना भी देगा ये। अरे पोला क्या कह रहे हो, जरा संयम से काम लो, ठंडे दिमाग से सोचो। क्रोध स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। और फिर मैं जो कुछ कह रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, बल मानसियत के नाते कह रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों का बरसों का भाईचारा रहा है। नहीं चलेगा, मैं कहता हूँ आज सिसोदी नो सत्य नाश करने छोड़ेगा। क्या किया मेरे लिए सिसोदी वालों ने? मिश्रा जी छुड़ाया या उन्होंने? अरे कर्जा मर जाए तो क्या खोटा है। अरे तू फिर कर्ज लेगा इससे? कर्ज लाइने बना बना भी काम में खराब करने का। अरे सिसोटी अपनी है, अपनी है, अपनी अपनी बनाई हुई है। और सरपंच ने पीछा छूट गया तो इस मात इसका चुंगाल में फंसोगे आप। हमारी भी गलती हती हती हम मानते हैं, लेकिन हम सब मल के कहीं नवा बनाना चाहते थे, नवा। हाँ बात तो मेरी जड़ी खोपड़ी में आपसी रहती। भाइयों हमारे भोला की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मत मारी गई है। जल्दी आओ तो अच्छा है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब कोई ठिकाना नहीं कब लूटूंगा। अब तो डॉक्टर ने वापस बुलाने के ऑर्डर लेकर ही लौटूंगा बहादुर भाई। ठीक है, वो कुछ जास्ती मनमानी करने लगा। साहब तुम्हें छोड़ देंगे? सब कुछ कहीं परेशानी की बात न थी। अच्छा डॉक्टर साहब आप जानते हैं ससोटी ना क्या हो रहा है? तो तुमने इसे रोकने को क्या किया? मैं क्या करूं, बाकी सब छोड़ी छोड़ी ना भागी रहे, हार्ड है। लगता है मैं एकला एकला ही रह गया हूं, बाकी सब नी मारी गई, पागल हो रहे सब। हर नए काम में रुकावटें आती हैं, ऐसे वक्त शायद कुछ नहीं करना ही अच्छा रहे। क्या मतलब? आप पर आप दरी ने बैठे रहे थोड़े समय के लिए। मनोहर आई डोंट थिंक आई एग्री विथ यू। मगर हमारी कौन सुनेगा देशमुख? अरे गांव में नवा नवा जब आविया था तो बहु बातों करता था कि कुछ करेंगे या नवा बनाएंगे, बस इतनी जल्दी हार मान गए। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा डॉक्टर साहब। आप लोग सब हार मान लो पर मैं नहीं मानूंगा। तुम्हारा जो जी चाहे करो, तुम्हारे आपस के झगड़ों से गांव में दो गुट बन गए हैं, अब तुम ही भुगतो। डॉक्टर साहब आप थोड़ा सोच विचार ही करो, आपको जवाब जरूर मिलेगा। मैं फिर आऊंगा। नमस्ते जी। नमस्ते, कहिए क्या काम है? मैं डॉक्टर राव से मिलना चाहता हूँ। तो ठीक है अंदर आके बैठ जाइए, वो अभी आते ही होंगे। इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, आई एम ऑल राइट। ओके। नमस्ते जी। मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। आप खामखा मुझ पर बिगड़ रहे हैं डॉक्टर राव, मेरी बात सुनिए। आपके फायदे की बात करनी है। देखिए मैंने आपसे कह दिया मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूं, प्लीज गो अवे। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना है। क्या है? आपसे प्राइवेट में कहना है। देखो
देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं यह सारा इल्जाम मनगढ़ंत है मुझे ब्लैकमेल करने के लिए। मेरा भी यही विचार है, इसीलिए तीसरी पार्टी से बिंदु पे जोर डलवाया है कि वो अपना इल्जाम वापस ले ले, और उनके कहने पे वो मान भी गई है। किसके कहने पे? गंगा प्रसाद मिश्रा, गंगानाथ डेयरी का प्रोपराइटर। अच्छा, तो ये सारी उनकी करतूत है, मुझे पहले ही पता होना चाहिए था। यही नहीं, जो आपको मानसिक चोट पहुंची है उसके लिए वो आपको कंपनसेट भी करना चाहते हैं। The bastard. He thinks he can kick me around as he likes. I'll show him. देखता हूं ये मिश्रा का बच्चा क्या कर सकता है। समझ रखा है, जो जी चाहे कर सकता है। I'll break that bloody swine if it's the last thing I do. आया मजा लाया नशा तेरे लबों की बहारों का रंग कितने भी रंग थे सब तेरी आंखों में ढल गए लाखों धींगे मेरे प्यार की राहों में जल गए जो होंगे मेरे हम सफल रखे बदल गए लाखों तुम्हारे लिए खुशखबरी है शांता, हेड ऑफिस से ऑर्डर्स आए हैं, हम घर जा रहे हैं। हिम्मत, एकता, अनुशासन और उत्साह से हमें आजकल की कठिनाइयों का सामना करना है। गांव छोड़कर जा रहे हैं, जाने से पहले बिंदु से थोड़ा। बिंदु यहां नहीं है, चली गई। बड़ा आया लाट साहब, बिंदु ने खैर खबर पूछा वाला। दिन ना भी रात कोनी
हमें लोग अपना दूध आइए क्यों बेच रहे हो? हमें लोग आइए क्यों आए? आपकी छोटी दफ्तर नहीं है, चलो यहाँ से, चलो हमारे साथ। अरे तू चुप हो जा, जो भी ना तो चुनाव नहीं कर रहा, ठीक से मत आओ, बताओगे तुम्हें एक दिन बताओगे, तुम्हें भी यहाँ आ गए, तुम्हें नहीं समझोगे। मिश्रा ने कपड़े दे दिए तो खुश होके कपड़े पहन लिए, तू भी तू आया क्या कर रहे हैं इन चोरों के पास? क्या जाए फिर, सिसोटी वाले तो चले गए वापस। अरे तू सिसोटी प्रमुख होकर ऐसी बातें करता है? सिसोटी उड़ के हरामजादों की क्या अपने है? चल अपन लोग सिसोटी जब तक चलते, चल पागी हमारे तुम्हारे से सिसोटी। अरे क्यों नहीं चल पाएगी, हम लोग सब मिलकर चलाएंगे, चलने तू चलने मोती। चलो इधर, तो तुम नाराज़ था बोल क्या? बाजुर भाई